आज मैं आप लोगों को कोरियन राइस क्रीम बनाना सिखाऊंगी जिसकी एप्लीकेशन से आपकी स्किन टाइटन होगी ग्लो करेगी और आपकी स्किन इस समर्स में कोरियन ग्लास जैसी होगी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन दिस इज असलम एवरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर ब्यूटी यूट उम्मीद करती हैं आप सब लोग ठीक होंगे अगर चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें आज मैं आप लोगों को कोरिंग क्रीम बनाना सिखाऊंगी जिसमें सबसे पहले आप लोगों को चाहिए होंगे राइस आपने थ्री स्पून राइस ले लेने हैं फिर उसके बाद अच्छी तरह उसको वॉश कर देना है वॉश करने के बाद दो से तीन घंटे के लिए इसको भिगो देना आप लोगों ने ठीक है उसका अच्छे से असर आ जाएगा फिर उसके बाद आप लोगों ने इसको पका लेना है आपने इतना पकाना है कि वो अच्छी तरह गल जाएँ मतलब आप लोगों ने इसको नॉर्मली नहीं पकाना जितना आप लोग घर में खाने के लिए पकाते हैं उससे ज़्यादा पकाना है और ज़्यादा ही पानी इसमें ऐड करना है और इसको प्रॉपरली सॉफ़्ट कर लेना है राइस नेचुरली आपकी स्किन को ग्लास जैसी बनाएगी ग्लो करेगी टाइटन होगी और आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी इसकी नेचुरली ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी स्किन पे मैजिकल वर्क करेगी आप लोग ये क्रीम यूज़ करें इसके रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आएंगे आपने फिर उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह आप लोगों ने इसकी पेस्ट बनानी है इसको आप लोगों ने क्रीम की तरह यूज़ करना है फिर आप देखें कि आपकी स्किन पे रिंकल्स का इशू ग्लो करेगी आपकी स्किन उसके अलावा टाइट करेगी आपकी स्किन को और ये आपकी स्किन पे एक वीक के अंदर अंदर बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स देना शुरू कर देगी और आप देख सकते हैं इसकी प्रॉपर पेस्ट बन चुकी है ठीक है अब इसके बाद इसमें हम अपने फर्दर इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जिसमें है विटामिन ई कैप्सूल ठीक है आपने ए, अगर आपकी क्रीम की क्वांटिटी ज़्यादा है हफ्त तो आप लोगों ने दो से तीन इसमें विटामिन ई कैप्सूल ऐड कर लेने हैं ठीक है और आपने इसको वन वीक से ज़्यादा स्टोर नहीं करना इसकी शेल्फ लाइफ इतनी है और आपने फ्रिज में रखना है फिर उसके बाद आपने बाज़ार की प्रिजर्व एलोवेरा जेल आपने ऐड करनी है फ़्रेश नहीं डालनी क्योंकि हमने इसको एज़ अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करना है और ये क्रीम प्रॉपरली आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बन गई है जैसे बिल्कुल कोई मार्केट की ऑर्गेनिक क्रीम है वो आप रेडी करें एक्सपेंसिव क्रीम्स और उसके बाद हम लोगों ने इसमें ग्लेसरीन डाला है ग्लेसरीन आपको पता है आपकी स्किन को इतना मॉइस्चराइज करता है उसके अलावा आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है हाइलोरॉनिक एसिड का सबसे है आपकी स्किन पर ये इतना ज़बरदस्त काम करेगा कि आपको इसके बाद किसी टाइटन सीरम की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग यही फॉलो करते रहेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे हमने फ्रिज में रख देना है हफ्ते के लिए बनानी है यूज़ करनी है अपने फेस पे लगानी है प्रॉपरली ठीक है सुबह लगाएं रात को लगाएं इट्स ऑल अप टू यू फिर उसके बाद आप लोगों ने इसको लगा के प्रॉपर अपने फेस पे गर्दन पे हाथों पे पाँव पे लगाएं और इसको ड्राई होने देना है ठीक है उसके बाद आपने इसको स्क्रब नहीं करना क्योंकि चावल है वो अकड़ेगी स्किन आपकी बिल्कुल टाइट आपको फ़ील होगा टाइट हो रही है ठीक है तो आपने स्क्रबिंग नहीं करना जब ड्राई हो जाएगी फेस वॉश ऑफ करना है फिर उसके बाद यू ऑल आर गुड टू गो और आपको इतने ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएंगे तो आप यूज़ करेंगे आपको पता चलेगा और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें मिलते हैं चैनल नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ब्यूटी टिप एक न्यू रेमेडी के साथ अल्लाह हाफेज